गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ हर्षवर्धन भदानी और आप देख रहे हैं इट्स मी। आफ्टर अ वीक मैं व्लॉगिंग आज कर रहा हूँ। तबीयत नहीं ठीक थी, ठंड लग गई थी थोड़ी। दिल्ली में तो बहुत ठंड थी और या आज मौसम भी अच्छा है, धूप निकली हुई है। मैं अपने टेरेस पे आया हूँ घर के और यू नो लाइक इट्स अ गुड फीलिंग। बहुत दिन बाद इतने कड़े धूप में बाहर निकला हूँ। आज थोड़ी मौसम भी मतलब गर्म है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट डेज, जहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री और 3 डिग्री पहुँच चुकी थी। फॉग भी नहीं है आज ज़्यादा, सो या थोड़ी राहत है ठंड से। बट ठंड से तो राहत मिल गई, बट एक चीज़ जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इट्स उससे राहत नहीं मिली है। स्किन बहुत ड्राई हो रहा है अभी, सो लाइक उसके लिए लोग बोलते हैं कोकोनट ऑयल लगाओ, एलोवेरा लगाओ, ये साबुन लगाओ, वो साबुन लगाओ, वैसलीन का लोशन लगाओ, ऑल दोज वर्क आई नो। बट मैं आज कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ इस व्लॉग में। मैं आज साबुन बनाऊँगा घर पे। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स मंगा ली है, तो मैं नीचे जाऊँगा तो मैं स्टार्ट करूँगा। मैं आ गया हूँ नीचे धूप सेक करके बहुत दिनों बाद। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक सोप। मैं बताता हूँ सबसे पहले मैंने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लिए हैं। सबसे पहले मैंने ये सोप पेस्ट मंगाया है अमेजन से, बाहर में कहीं नहीं मिल रहा था। दूसरा आई एम यूजिंग दिस हनी। तीसरा गुलाब जल। चौथा ग्रीन टी और पाँचवा कोकोनट का ऑयल। सो आई एम गोइंग टू मेक वेरियस काइंड ऑफ सोप। मैं हनी सोप बनाऊँगा, गुलाब जल से यूज़ करके एक सोप बनाऊँगा, ग्रीन टी यूज़ करके सोप बनाऊँगा और ऑरेंज के पील्स, और मैं यूज़ कर रहा हूँ एलोवेरा जेल भी इसमें। सबसे पहले मेरे को इस सोप बेस को पिघलाना होगा, सो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग डबल बॉइलिंग मेथड, जैसा कि मैंने कैंडल वाले ब्लॉग में किया था। कैंडल बनाते समय मैंने डबल बॉइलिंग यूज़ करी थी। आप ऊपर मैंने राइट हैंड साइड में डाल दिया है उसकी लिंक, आप देख सकते हो कि मैंने कैंडल कैसे बनाई थी। उसके बाद अगर आपके पास अगर ओवन है तो यू कैन यूज़ ओवन ऑल्सो टू मेल्ट दिस सोप। सो सबसे पहले मैं पानी गर्म करने चढ़ाऊँगा और उसके बाद ये जो ऑरेंज पील्स को हम मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करेंगे, देन आई विल जस्ट शो यू। उसके बाद फिर हम इस सोप बेस को छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे क्योंकि गलने में ईजी होगी। सो लेट्स स्टार्ट, पानी गर्म करते हैं। सो मैंने अभी ये सारे सोप बेस को मैंने कट कर लिया है। नाउ टाइम टू यू नो लाइक मेल्ट इट। सो इसके लिए मैं लूँगा एक कटोरा लेता हूँ। इस ध्यान रहे कि ये जो आपका बर्तन है वो ड्राई होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसमें बबल्स आ जाएंगे, तो दिक्कत होती है। फिर उसके लिए मैं उपाय बताऊँगा कि अगर बबल्स आ गए तो फिर आप क्या करना। और जो भी ये चीज़ मैं अभी बना रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा कुछ हाई फाई मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है। सबको सब कुछ आपको नॉर्मल ऑनलाइन या फिर आपके नियरेस्ट ग्रोसरी शॉप में मिल जाएंगे। सो मैंने ये कटोरा ले लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू फिल इसमें जो भी सोप बेस है, इसको मैं अभी डालने वाला हूँ इसमें। अभी ये डबल मेल्ट हो रही है। आई एम यूजिंग द सेम मेथड जो कि मैंने कैंडल बनाते समय यूज़ करा था। और ध्यान रहे कि आपको जो ये इसका आँच है वो तेज़ी रखना है, अगर धीमा करा तो फिर ये जमने लगता है। सो आप ये चीज़ ओवन में कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, बट मेरे पास ओवन नहीं है, थोड़ी बजट है, ब्लॉगिंग करता हूँ तो इसलिए मैं डबल बॉइलिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ये जो ऑरेंज पील्स है इसको मैं ग्राइंडर में क्रश करूँगा। पील बिल्कुल मैंने ग्राइंड कर दी है। ध्यान रहे कि ऑरेंज पील को आप बिल्कुल ड्राई कर लें ग्राइंड करने से पहले, नहीं तो ये पेस्ट बन जाएगी एंड वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा इसमें। सो जस्ट ड्राई इट बिफोर यू नो ग्राइंडिंग इट। और इधर मेरी सोप बेस मेल्ट हो रही है और जस्ट चेक इट, अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए। मेल्ट होने के बाद बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो जब तक ये मेल्ट हो रहा है तब तक मैं अपने सोप के इंग्रेडिएंट्स बना लेता हूँ। अभी मैंने ऑरेंज पील को क्रश कर लिया है, तो एक
ये एक सूप बनेगा। उसके बाद लाइक आई हैव दिस हनी, तो हनी को भी यूज़ करना है मुझे। सो आई जस्ट शो यू मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे डब्बे हैं, दो तीन डब्बे मैंने ले लिया है। सो आई एम यूजिंग दिस एज अ मोल्ड। अगेन ये डब्बे भी पूरी तरह से अच्छी तरह से ड्राई होनी चाहिए, तो इसको मैं टिश्यू पेपर से अभी पोंछ लेता हूँ, थोड़ा ये भीगा हुआ है। ये जो सोप मैं बनाऊंगा, सबसे पहले ये जो ग्रीन टी मैंने ली है, तो ये जो ग्रीन टी है इसमें मैं थोड़ी हनी मिलाऊंगा और थोड़ी गुलाब जल मिलाऊंगा। सो इट विल बी हनी ग्रीन टी गुलाब जल सोप है ना। और उसके बाद फिर मैं एक बनाऊंगा सोप जिसमें मैं ये ऑरेंज पील्स एलोवेरा और हनी मिलाऊंगा। सो इट विल बी ऑरेंज हनी एलोवेरा सोप। तो देखते हैं, जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, पता नहीं कैसा बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा, जस्ट ट्राइंग। हर कुछ सबको पहली बार ट्राई करनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि मैं हर बार अब घर पे ही बनाऊंगा सो, बट इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, आई जस्ट वांट टू सी हाउ इट गोज। और उसके बाद मैं यूज़ भी करूँगा, मैं अपने फ्रेंड्स को दूंगा, अंजलि को भी दूंगा मैं ये सोप यूज़ करने, एक्सपेरिमेंट करने के कैसा होता है। सो आई एम जस्ट मिक्सिंग 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, ज़्यादा नहीं मिलाएं तो चिकना हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून हनी मिला रहा हूँ। दिस इज 1 टेबल स्पून हनी। ये 3 तरह के सोप के जो बेस है वो मैंने कर लिए हैं। ये जो पहला है ये है आपका ग्रीन टी, कोकोनट ऑयल और हनी, और ये है आपका ऑरेंज पील प्लस कोकोनट ऑयल प्लस एलोवेरा प्लस थोड़ा सा गुलाब जल, और ये है आपका सिर्फ ऑरेंज पील और कोकोनट ऑयल पे बना हुआ ये सोप। जैसे वही बिल्कुल पिघल गई है, बिल्कुल मेल्ट हो गई। अब हम इसको मिलाएंगे मतलब अपने बेस में। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने मोल्ड में सोप बेस को डाल दिया है अलॉन्ग विद द फ्लेवर्स, और अब इसे हम ठंडा होने छोड़ते हैं। बट मोल्ड में डालने के जस्ट बाद आप ये जो डिओड्रेंट होती है उसको हल्का सा स्प्रे कर दें इस पर, ताकि वो जो बबल्स होती है ना वो चली जाएगी। तो मैंने डिओड्रेंट स्प्रे कर दिया ऑलरेडी। नाउ आई एम गोइंग टू फ्रीज इट फॉर लाइक से 1 आवर से 2 आवर। सो गाइज, इट हैज़ बीन लाइक 3 आवर्स एंड आई एम टेकिंग दिस आउट फ्रॉम द फ्रीजर। नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट आउट ऑफ द मोल्ड। तो इसके लिए आई विल यूज अ नाइफ। इसको थोड़ा सा मैं शेप दे दूंगा, तो आई विल यूज जस्ट दिस नाइफ टू गिव इट अ गुड शेप। This is green tea plus orange plus aloe vera, and this is orange plus aloe vera plus gulab jal soap. बहुत अच्छा बना है soap. अब इसको use करना है तो experiment के लिए I'll give to someone और मैं खुद use करूँगा. So proper soap, looking good, shape भी अच्छी आई है, और ये जो smoothness है वो भी है इसमें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू वांट दिस सोप टू बी डिलीवर्ड टू योर होम, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको हमारी कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। एंड टॉप 5 लकी विनर्स विल गेट दिस सोप। मैं पर्सनली ये सोप उनको डिलीवर करवाऊंगा, एंड दिस सोप इज रियली गुड, यू मस्ट ट्राई। सो कमेंट करें, अभी से स्टार्ट करें और शेयर करें इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कर सकते हैं।